बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 और इसको सेक्शन 35 से 38 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 डील करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिसीजन का मतलब क्या है। अगर हम उर्दू में कहें तो रिसीजन का मतलब हम ले सकते हैं छुटकारा पाना। अब रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी तकरीबन इसी तरह की एक टर्म है कि जहां पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पार्टी जिसको किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नुकसान हो रहा है किसी भी विशिएटिंग फैक्टर की वजह से, लाइक अगर उसके साथ कोई फ्रॉड कमिट हो गया है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन है या कोई मिस्टेक हो गई है या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ठीक है, यानी एक पार्टी ने ये काम दूसरी पार्टी के साथ किया और उस दूसरी पार्टी को उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई फायदा नहीं हो रहा उल्टा नुकसान हो रहा है, तो फिर वो पार्टी रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोर्ट से राबता कर सकती है। तो बेसिकली ये एक एक्विटेबल रेमेडी है और जहां पर भी कोई पार्टी इन वजूहात की वजह से रिसीजन की तरफ जाएगी, अगर कोई भी बेनिफिट उसने लिया होगा तो वो बेनिफिट उसको वापस करना होगा, ठीक है। जैसा कि हमने पहले मैक्सिम में भी पढ़ा था, वन हु सीक्स एक्विटी मस्ट डू एक्विटी, तो ये भी तकरीबन वही सिचुएशन है कि जहां पर आप एक पार्टी से कहते हैं या इस बेस पर कहते हैं कि उस पार्टी ने आपके साथ कोई गलत काम किया, लाइक फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप रिसीजन क्लेम करते हैं तो फिर आपने जो बेनिफिट लिया है वो भी आपको वापस करना होगा। तो इसको अब हम पढ़ लेते हैं कि सेक्शंस में क्या लिखा है। ओके, सो सबसे पहले है व्हेन रिसीजन मे बी एडजज्ड, कि रिसीजन कब एडज, यानी कि कोर्ट कब ये फैसला करेगी कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट की रिसीजन हो जानी चाहिए। एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या आ गई कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग होना चाहिए, और अगर कोई भी बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में इंटरेस्टेड है, मे सू टू हैव इट रिसिंडेड, वो सू कर सकता है कि वो उसको रिसिंड करवा ले, ठीक है। एंड सच रिसीजन मे बी एडज्ड बाय द कोर्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अब ये नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से मुंह उठाकर कोर्ट में चला जाऊंगा और हर एक कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंड करवाने की कोशिश करूंगा कि भाई मुझे ये पसंद नहीं आया इस वजह से इसको खत्म कर दिया जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि जो रिसीजन है वो एडज की जाएगी कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे और इन केसेस में। पहला केस है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लैंटिफ, प्लैंटिफ का मतलब वो शख्स जो कि ये समझता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म हो जाना चाहिए और वो उसको रेसेंड करवाने के लिए कोर्ट की तरफ जाता है या कोर्ट से रजू करता है, और यहाँ पर कहा जाता है कि ऐसा शख्स अगर उसके बिहाफ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो या टर्मिनेबल हो। वॉइडेबल तब होता है किसी एक पार्टी के फेवर में जब किसी भी कंडीशन की ब्रीच होती है। कंडीशन से यहाँ हम मुराद लेंगे कि कोई ऐसी चीज जिसकी ना होने की वजह से या होने की वजह से उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का फायदा नहीं है और उसके ऑप्शन पर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है, ठीक है। एक चीज कंडीशन होती है कॉन्ट्रैक्ट में और कुछ वारंटीज होती हैं, ये सेल्स ऑफ गुड्स में हम यूज करते हैं, यहाँ पर भी हम इसका रेफर कर सकते हैं। तो मिसाल दे रहा है, ए सेल्स अ फील्ड टू बी, ए ने बी को एक फील्ड सेल किया। There is a right of way over the field of which A has direct personal knowledge, but which he conceals from B. अब क्या हुआ कि कोई भी जब आप property purchase करते हैं तो most important right उसमें right of way का है कि आप उस तक पहुंचेंगे कैसे, access कैसे होगी। अब A जो बेचने वाला है उसको पता है कि उस field की तरफ एक right of way जाता है और B से वो conceal करता है। B is entitled to have the contract rescinded. अब B को यहाँ पर इख्तियार है, अगर उसे कोई एक मेटीरियल चीज छुपाई गई है, ठीक है, एंड ही इज नॉट एबल टू एक्सेस हिज लैंड, एक्सेस हिज फील्ड, ठीक है, और किसी वजह से उससे छुपाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है जो इस सिचुएशन में, पर्टिकुलर सिचुएशन में खरीदने वाला है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल इसके लिए दी गई है। इसके अलावा भी
कहीं पर भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक पार्टी के राइट्स इंफ्रिंज हो रहे हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की बेस पे, दोनों पार्टीज को अपने प्रॉमिसेस परफॉर्म करने होते हैं, जहां पर एक पार्टी अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करती तो दूसरी पार्टी फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार दे सकती है, यानी कि वॉइडेबल होता है उस पार्टी के ऑप्शन पर। तो ये था हमारे पास पहला ग्राउंड जहां पर रिसीजन एडज की जा सकती है। की जा सकती है का मतलब ये है कि अगेन इट इज एक तो एक्विटेबल रेमेडी तो है ही, लेकिन साथ साथ ये डिस्क्रेशनरी रेमेडीज हम स्पेसिफिक रिलीफ में पढ़ते हैं, यानी कि लाजमी नहीं है, कोर्ट अगर मुनासिब समझेगी तो ये रेमेडी किसी पार्टी को प्रोवाइड करेगी। ओके, उसके बाद ग्राउंड बी है, क्लॉज बी, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल फॉर कॉजेस नॉट अपेरेंट ऑन इट्स फेस। जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ही अनलॉफुल है, लेकिन किसकी वजह से अनलॉफुल है, किस चीज की वजह से, वो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने से समझ में नहीं आ रही। पढ़ने में सारी चीजें पूरी हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस भी है, पार्टीज भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, मेजर हैं, इसके अलावा जो पर्पस है और ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है, सारी चीजें उसके अंदर लॉफुल, हमें कोई खराबी नजर नहीं आ रही। लेकिन एंड द डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम देन द प्लेंटिफ, लेकिन वहां पर एक छुपी हुई इलीगैलिटी होगी जो कि उसके बैक एंड पर, जिस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया, ठीक है, वो वजह जो है वो अनलॉफुल हो सकती है। अब वो किस तरीके से अनलॉफुल होती है ये तो हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात उसने कही कि जो डिफेंडेंट है, यानी कि जिसके खिलाफ हम रिसीजन क्लेम करेंगे कोर्ट में, उसका ज्यादा कसूर होगा। मिसाल पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ए एन अटर्नी इंड्यूसेस हिज क्लाइंट बी अ हिंदू विडो टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू हिम, यानी कि वकील साहब अपनी क्लाइंट को ये कह रहे हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर कर दें। उसकी वजह क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ डिफ्रॉडिंग बीज क्रेडिटर्स। अब क्या है कि ये बड़ा एक आप कह लें कि बुरा तरीका होता है, कानूनी तौर पर ये इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग। अब बी जो है उन्होंने पैसे देने हैं लोगों के, और जब बंदे के पास कुछ ना बचे, कैश खत्म हो जाए, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी अटैच करके सेल कर दी जाती है फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है। अब बाज़ुकात लोग ये करते हैं कि उस प्रोसीजर से बचने के लिए वो जानबूझकर कुछ वक्त के लिए अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, ये शो करने के लिए कि हमारे पास अब प्रॉपर्टी भी नहीं है जिसको बेचकर हम कर्ज अदा करेंगे क्रेडिटर्स का, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं कि अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा लेते हैं, और वो एक अलग प्रोसीडिंग है, ठीक है। तो बहरहाल बात ये हो गई कि वो जो हिंदू विडो है उसको वकील ने मशवरा ये दे दिया कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो आप वकील के नाम मेरे नाम कर दें, ताकि आपको प्रॉपर्टी बेचकर लोगों का कर्जा अदा ना करना पड़े। हेयर द पार्टीज आर नॉट इक्वली इन फॉल्ट एंड बी इज एंटाइटल्ड टू हैव द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर रिसिंडेड। अब यहाँ पर जो पार्टीज हैं वो इक्वली इन फॉल्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि जो अटर्नी है ही नोज द लॉ, ठीक है, और हो सकता है कि उन्होंने इंड्यू, यहाँ पर जो वर्ड है वो इंड्यूस का वर्ड यूज हुआ, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी आ सकता है। सिचुएशन ऐसी है कि वो हिंदू विडो एक ट्रस्ट करते हुए अपने वकील पर, अपने अटर्नी पर, ठीक है, तो वो ये काम कर रही है, हो सकता है उनके नॉलेज में ना हो कि वो डिफ्रॉड कर रही है, ठीक है। तो इंड्यूस का वर्ड हमें ये बताता है कि देयर इज अ मैलाफाइडी ऑन पार्ट ऑफ ए अटर्नी। तो इस वजह से कुछ कसूर बी का भी है, लेकिन ये इक्वली इन फॉल्ट नहीं है। तो इस एग्जांपल के मुताबिक जो बी हैं, जो क्लाइंट हैं, वो उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने वकील साहब के नाम की है, उसको वो रिसेंट करवा सकती है। इसी तरीके से क्लॉज सी, जो कि लेंथी है थोड़ी सी, वेयर अ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू टेक अ लीज। दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि एक डिक्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की या फिर कॉन्ट्रैक्ट टू टेक अ लीज हैज बीन मेड, यानी कि कोर्ट ने इन दोनों किस्म की डिक्री को डिक्री इशू कर दी हुई है। And the purchaser or lessee makes default in payment of the purchase money or other sums which the court has ordered him to pay. अब इन तीन लाइनों में स्टोरी ये लिखी गई है कि जहां पर लेट्स से के मैं हूं, ठीक है,
मैं एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर देता हूँ एक प्रॉपर्टी के हवाले से कि जिसको मैं खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा ये स्टांस होगा कि आई एम रेडी टू पे, और जो बंदा बेचने वाला है वो विदाउट एनी कोजेंट रीजन मुझे बेच नहीं रहा, ठीक है। तो जब कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री मेरी फेवर में इशू कर देगी, ठीक है, तो वो मुझे कहेगी कि भाई आप उनको पैसे दे दें जो परचेज मनी है और वो आपको प्रॉपर्टी आपके नाम कर देंगे। यही डिक्री कोर्ट ने इशू की है। अब स्टोरी ये है कि द परचेजर और लेसी, ठीक है, अब परचेजर जो खरीदने वाला है, या इसी तरीके से अगर लीज का कॉन्ट्रैक्ट है तो जो लेसी है जो किराया अदा करने वाला है, मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द परचेज मनी और अदर सम्स विच द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड हिम टू पे। अब मैं क्या करता हूँ कि डिक्री ले आता हूँ कोर्ट से, ठीक है, लेकिन मैं जो परचेज मनी है वो पे नहीं कर पाता, डिफॉल्ट कर लेता हूँ। अब क्या होगा, वेन द परचेजर और लेसी इज इन पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। अब ये तीसरा ग्राउंड यहां पर आ गया कि अब जब डिग्री मैंने ले ली और मैं पे नहीं कर पा रहा, तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी बेस पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैंने क्लेम किया था, ठीक है, वो जो जो जजमेंट डेटर है जिसके खिलाफ डिग्री आई और इस एग्जाम्पल में जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है वो कोर्ट के अंदर जाएगा और रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दावा दायर कर कर उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो यही कहेगा कि भाई इसके पास तो पैसे है ही नहीं खरीदने के, खाम खामे कोर्ट का टाइम वेस्ट किया इसमें, ठीक है। तो ये ग्राउंड उसका होगा, एक बात। उसके बाद कहता है व्हेन द परचेजर और लेसी इज इन पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, और इस तरीके से कोई सेटलमेंट हो जाती है कि वो पोजेशन उनको मिल गई, ठीक है, और वो प्रॉमिस टू पे कर लेते हैं कि जो हम एक हफ्ते बाद एक महीने बाद हम पे कर देंगे, एंड द कोर्ट फाइंड्स दैट सच पोजेशन इज रॉन्गफुल। लेकिन कोर्ट को समझ आ रही है कि ये पे नहीं कर रहे और पोजेशन लेके बैठ गए हैं, और कोर्ट को लग रहा है कि ये पोजेशन रॉन्गफुल है, द कोर्ट में ऑल्सो ऑर्डर हिम टू पे टू द वेंडर और लेसर द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स इफ एनी रिसीव्ड बाय हिम एज सच पोजेसर। तो कोर्ट उनको ये भी ऑर्डर कर सकती है कि भाई जो रेंट आप उस प्रॉपर्टी की पोजेशन की वजह से ले रहे हैं, जो प्रॉफिट आप उसके ऊपर कमा रहे हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो सारा आप दे दें जो ओरिजिनल मालिक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी जो पोजेशन है वो रॉन्गफुल है। ये बात भी कोर्ट कर सकती है। इसके अलावा इन द सेम केस द कोर्ट मे बाय ऑर्डर इन द सूट इन विच द डिक्री हैज बीन मेड एंड नॉट कंप्लाइड विद, वही वाला कि जिस केस के अंदर कोर्ट ने डिक्री कर दी हुई है और उस डिक्री की कंप्लायंस नहीं हुई, यानी कि जो परचेजर पार्टी है जिन्होंने पैसे अदा करने हैं सेलर के, उन्होंने कोर्ट का हुक्म नहीं माना, कंप्लाई विद नहीं किया। रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट आइदर सो फार एज रिगार्ड्स द पार्टी इन डिफॉल्ट और ऑल टुगेदर एज द जस्टिस ऑफ द केस में रिक्वायर। अब यहां पर कोर्ट क्या कर सकती है कि कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंट कर सकती है आइदर सो फार एज रिगार्ड्स द पार्टी इन डिफॉल्ट और ऑल टुगेदर एज द जस्टिस ऑफ द केस में रिक्वायर। या तो उस पार्टी के खिलाफ वो रिसेंट करेगी जो के पार्टी डिफॉल्ट में है, ठीक है, या फिर उस कंप्लीटली उस कॉन्ट्रैक्ट को वो रिसेंट कर देगी जिस तरीके से भी उसको मुनासिब लगेगा और जिस तरीके से लगेगा कि इंसाफ कायम हो रहा है, ठीक है। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट कोई भी फैसला इस सिचुएशन में कर सकती है, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास क्लॉज सी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, रिसीजन फॉर मिस्टेक। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन गिवन है कि जहां पर गलती की वजह से कोई पार्टी रिसीजन क्लेम करती है। कहते हैं रिसीजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग कैन नॉट बी एडजस्ट फॉर मेयर मिस्टेक, यानी सिर्फ गलती की बुनियाद पर रिसीजन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फिर तो हर कोई बंदा जिसको नुकसान नजर आ रहा होगा बाद में, यानी पहले उसको लगा कि मुझे फायदा होगा, ठीक है, एग्री कर लिया, लेकिन बाद में कहता है कि नहीं यार मुझे तो नुकसान हो रहा है, मैं तो गलती कर दी है, ठीक है। तो फिर सिर्फ उस गलती की वजह से, मेयर मिस्टेक की वजह से रिसीजन नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि मिस्टेक के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि रेक्टिफिकेशन इज द प्रॉपर रेमेडी अगर गलती हो गई है कोई, ठीक है। रिसीजन का मतलब है कि आप अपना लीगल रिलेशन खत्म कर रहे हैं, ऐसा होगा कि जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट कभी वजूद में ही नहीं आया, देयर विल बी नो लीगल ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी लेफ्ट ऑन द पार्टीज, ठीक है। तो रिसीजन सिर्फ गलती की बुनियाद पर रिसीजन क्लेम करना, दैट इज नॉट अ प्रॉपर थिंग इन द आईज ऑफ लॉ। सेक्शन 36 हमें यही कहता है।
unless the party against whom it is adjudged can be restored to substantially the same position as if the contract had not been made. अब बड़ा क्लियर स्टांस यहाँ पर कानून ने ले लिया है कि लेट्स से कि मैं हूं, मैं कहता हूं कि गलती हो गई मेरे से, ठीक है, रिसीजन चाहिए. अब कोर्ट कहती है कि अच्छा इन एनी इन इवेंचुअलिटी के अगर हम ये कह भी दें कि अच्छा आप रिसीजन ले सकते हैं, तो उसमें फिर आपको ये करना होगा कि जिस पार्टी के अगेंस्ट आप रिसीजन क्लेम कर रहे हैं आपको उसको सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली का क्या मतलब है, यानी कि वाकई आपको उसको रिस्टोर करना होगा उस पोजीशन पे जो पोजीशन पर कॉन्ट्रैक्ट करने से वो पहले मौजूद थी. अब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहां पर आप पार्टीज को उस पोजीशन पे रिस्टोर नहीं कर सकते, जहां पर आपके करोड़ों के अरबों के कंसाइनमेंट्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो लोन लेकर चीजें पहुंचाते हैं, चीजें खरीदते हैं, ठीक है. तो इसी तरीके से जब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो उसके अंदर सिर्फ मेयर मिस्टेक की वजह से रिसीजन करना मुमकिन नहीं होता और ना ही पार्टीज को रिस्टोर किया जा सकता है सब्सटेंशियली, क्योंकि मॉनेटरी मैटर्स भी होते हैं और उनकी जो गुडविल है, उनकी जो आप कह लें कि गुड रेप्यूटेशन है, वो भी एट स्टेक आ जाती है. तो अगर तो ये पार्टी जो कि रिसीजन क्लेम कर रही है वो ये काम कर सके जिस पार्टी के खिलाफ रिसीजन क्लेम कर रही है, तो फिर कोर्ट हो सकता है कि अलाउ कर दे कि सिर्फ मिस्टेक की वजह से, गलती की वजह से रिसीजन वो ग्रांट कर दे. उसके बाद सेक्शन 37 है, अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रिसीजन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. यानी जहां पर ओरिजिनल सूट किसी पार्टी ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का किया है, लेकिन अल्टरनेटिव प्रेयर रिसीजन के लिए भी वो पार्टी कर देती है. A plaintiff instituting a suit for the specific performance of a contract in writing may pray in the alternative that if the contract cannot be specifically enforced, it may be rescinded and delivered up to be cancelled. And the court, if it refuses to enforce the contract specifically, may direct it to be rescinded and delivered up accordingly. अब इसके अंदर वो ये कहता है कि एक plaintiff जो के specific performance का दावा कर रहा है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग के लिए, वो कोर्ट को कहेगा कि भाई आप इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मुझे दे दे. और अगर किसी सिचुएशन में कोर्ट ये अपनी फाइंडिंग देती है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो इसमें परमिसिबल नहीं है, देना मुनासिब नहीं है, तो फिर वो कहते हैं कि इन द ऑल्टरनेटिव कोर्ट फिर ये करे कि उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसीन कर दे, ठीक है, एंड डिलीवर्ड अप टू बी कैंसल्ड, और उसको बिल्कुल कैंसिल कर दे. And the court, if it refuses to enforce the contract specifically, may direct to be rescinded and delivered up accordingly. तो उसमें फिर यही हो जाएगा कि जो भी parties ने एक दूसरे से लिया दिया होगा वो court वापस ले लेगी. मिसाल के तौर पर जो practical situations आती हैं, let's say कि मैं हूँ, मैंने एक property purchase करने के लिए एक let's say कि किसी को पैसे दिए, earnest money, ठीक है, 50 लाख value थी, मैंने 10 लाख रुपए उसको दे दिए, और उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई एक महीने बाद मैं उसको बकिया 40 लाख दूंगा और वो प्रॉपर्टी की पोजेशन भी दे देगा और मेरे नाम भी कर देगा. अब उस एक महीने आने से पहले पहले उसकी इंटेंशन सामने आ गई कि वो ऐसा नहीं करना चाह रहा, वो फिर रहा है अपनी बात से, ठीक हो गया. अब यहाँ पर मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो मांगूंगा कि भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट की जाए, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, प्रॉपर्टी मेरे नाम वो कर दे. लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो काइंडली कम से कम ये कर दिया जाए कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करार दिया जाए, रिसीन कर दिया जाए, और मैंने जो 10 लाख रुपए उसको दिए हैं वो मुझे वापस कर दे, ठीक है. तो इस तरह की मतलब एक सेटलमेंट सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इस प्रोविजन के अंडर, ठीक है. उसके बाद 38 भी तकरीबन वही बात कह रहा है जो हमने पहले पढ़ ली है. कोर्ट में रिक्वायर पार्टी रिसेंडिंग टू डू एक्विटी. कहते हैं, on adjudging the rescission of a contract, the court may require the party to whom such relief is granted to make any compensation to the other which justice may require. अब ये जो compensation है, compensation के अंदर वो situation भी cover हो सकती है जिसकी मैंने अभी example दी, earnest money वाली, ठीक है. लेकिन इसके अलावा एक बात हमने पहले पढ़ी थी कि जहां पर कोई पार्टी मिस्टेक की वजह से रिसीजन क्लेम कर रही है तो वो दूसरी पार्टी को सब्सटेंशियली रिस्टोर करेगी उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे, वो सिचुएशन भी यहाँ पर आ सकती है. और इसके अलावा बाकी सारी सिचुएशंस कि जहां पर
एक पार्टी रिसीजन क्लेम करती है, कहती है कि जी जो भी मैंने रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया था, जो भी मैंने उनके लिए करना था वो मैं नहीं कर सकता, इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाए ड्यू टू दिस एंड दैट रीजन। ठीक है, अब ये इतना आसान काम नहीं होता, जैसे मैंने पहले आपको एग्जाम्पल्स दी कि बहुत सारी मनी इन्वॉल्व होती है, बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे उसके अंदर टेबल वर्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो बाज़ूकात ही सिचुएशन कम्प्लेक्स बन जाती है, तो ये फिर इतनी आसान चीज नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर 38 में गाइडिंग प्रिंसिपल हमें लॉ ने दे दिया कि जहां पर भी कोर्ट किसी भी रिसीजन को एजज करेगी किसी पार्टी की फेवर में, तो वो उस पार्टी से ये जरूर एक्सपेक्ट करेगी कि वो दूसरी पार्टी को कंपनसेशन पे करे। ठीक है, हो सकता है कि उसने सब्सटेंशियली कुछ किया हो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो इसी वजह से ये इक्विटेबल रेमेडी है। और इक्विटी का जो आप कह लें कि प्रिंसिपल है या फिर इक्विटी का जो नॉर्म्स है वो हमें हर सूरत में कायम रखना होंगे। तो ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक था, रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।